नमस्कार, मैं शिक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का बचपन एक्सप्रेस में। हमारी बड़ी खबर आ रही कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी में पाक। भारत में आतंक फैलाने के इरादे से पाकिस्तान ने अपनी सेना में करीब 60 अफगानी आतंकियों को शामिल किया है व घुसपैठ के लिए सीमा के आसपास तैनात किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हमला करने के लिए किया जाएगा। खबर मिलने के बाद से ही भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कई अलग अलग गुटों से इन 7 आतंकियों को चुना है। इनको खतरनाक हथियारों के साथ सीमा पर भेजने की साजिश है। हमारी अगली खबर आ रही है कि चीन के विरोध के बीच आज से शुरू होगा भारत जापान और अमेरिकी नेवी संयुक्त अभ्यास। भारत जापान अमेरिकी नेवी बृहस्पतिवार दक्षिणी चीन सागर में जापानी समुद्र तट पर मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू करेंगे। इसके विरोध में चीन ने अपने दक्षिणी समुद्र तट पर अपनी सेना की गतिविधियां बढ़ा दी है। करीब 9 दिन तक चलने वाला यह अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम और चीन के बीच जापान के ससेबो शहर में आयोजित किया जाएगा। चीन समुद्र के इस क्षेत्र को अपना जल क्षेत्र मानता है और ऐसे में किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को वह सीधा अपनी संप्रभुता का उल्लंघन समझता है। ऐसे में इस अभ्यास पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बचपन एक्सप्रेस में।